यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका गंगा दोपहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अहम खबर बागपत से, यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर किसान आपस में भिड़ गए हैं। यमुना खादर में हरियाणा और यूपी के किसान आपस में भिड़ गए हैं, दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हरियाणा के किसानों ने खराब की यूपी के किसानों की फसल और फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। दो ट्रैक्टर यमुना में छोड़कर किसान फरार हो गए। हवाई फायरिंग करते हुए ये किसान आए थे और किसानों के खेतों में बनी झोपड़ियों में भी आग लगा दी गई। तो हम आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो ट्रैक्टर जो कि पानी में डूबे हुए हैं यमुना के अंदर, उनको यहीं छोड़कर वो किसान वापस भाग गए, जो इन ट्रैक्टरों पर बैठकर फायरिंग करते हुए धाएं धाएं करते हुए आए और यहां किसानों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उन्हें बर्बाद करके, पूरी जमीन को खोद करके, उस जगह जो झोपड़ियां बनी हुई थी उनको जला करके वहां से भाग गए। दोनों तरफ के किसानों में ये भिड़ंत हुई है। हरियाणा के किसानों ने, खबर आ रही है कि यूपी के किसानों की फसल खराब कर दी, उनकी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर जमीन को खोद डाला, वहां झोपड़ियों को फूंक डाला, हवाई फायरिंग करते हुए आए और उसके बाद वहां से भाग गए ट्रैक्टर्स को यमुना में छोड़कर। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, गांव वालों में दहशत का माहौल है। किस तरह हरियाणा के किसानों ने उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों की जमीनों पर इस तरह से लगा दिया है ट्रैक्टर और आग में झोपड़ियों को फूंक डाला और हवाई फायरिंग करते हुए वहां पर वो दाखिल हुए और फिर फरार हो गए। तो ये सनसनीखेज घटना हुई है बॉर्डर पर। यमुना खादर में हरियाणा और यूपी के किसान आपस में भिड़ गए, दो ट्रैक्टर यमुना में छोड़कर भाग गए हरियाणा से आए हुए लोग। उधर फरुखाबाद में पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है रिश्वत और उसके लिए 800 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये वीडियो चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। देखिए किस तरीके से पोस्टमार्टम के लिए 800 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा और सुना जा सकता है, रुपयों का लेन देन भी साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नोट उनके हाथ में है और वो आगे जिसने फेस शील्ड और पीपी किट पहना हुआ है उनको वो देते हुए नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के एवज में ये रिश्वत ली जा रही है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ अधिकारी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, माफ कीजिए, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश बताइएगा, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है और ये पूरा मामला क्या है, कितना पुराना ये वीडियो है, इस पर कोई जानकारी? बिल्कुल ठीक कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो 800 रुपए की रिश्वत ले रहा है वो व्यक्ति अपने आप स्पष्ट कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है और आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको पैसे किस बार कर दूं। तो उस व्यक्ति का कहना है कि नहीं, हम प्राइवेट काम करते हैं और हमको पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बिना पैसे के हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। ये उसका पूर्ण रूप से कहना, जब इस संबंध में वो किसी चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी इस बात इस प्रक्रिया में कोई भी बोलना नहीं चाहता जी। तो फिलहाल अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन ये पूरा माजरा क्या है, पोस्टमार्टम के एवज में रिश्वत, ये कब से चल रहा है, इस पर कोई जानकारी मिल पाई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई इस पर की है अभी तक? जी ये तो काफी समय से चल रहा है रिश्वत का, लेकिन कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता था कि जो वीडियो मिल जाए जिससे कि इसको चलाया जा सके, लेकिन कल जो वीडियो मिला है तब से प्रशासन में एकदम हलचल सी मच गई है स्वास्थ्य विभाग में। अब वो ये सोच रहे हैं कि इसको किसी प्रकार से इस प्रक्रिया को दबा दिया जाए और इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाए, इसलिए कोई भी इसमें अपनी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस वीडियो पर हर कोई चर्चा कर रहा है और सवाल उठा रहा है कि क्या वाकई इस तरह का कोई गोरख धंधा चल रहा है। शुक्रिया दिनेश अपडेट के लिए। कभी पैसे नहीं लगे, आप किस बात के लग रहे हैं? आप ये बताइए, पहले हम यहाँ पे थे अपने तो यार वो कहीं लिखा भी तो होना चाहिए, लिखित में भी होना चाहिए। तीन सौ
उधर बुलंदशहर में रेप पीड़िता की जलाकर हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। आरोपियों पर 20,000 के इनाम की घोषणा पुलिस की तरफ से की गई है। 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। 3 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो बुलंदशहर रेप मामले में पुलिस ने अब इनाम घोषित किया है। 20,000 का इनाम रखा है आरोपियों पर। और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया पीड़िता का। और अब पुलिस ने आरोपियों पर 20,000 का इनाम रखा है। औरैया में हफ्ते भर से लापता चल रहे 7 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। शव क्योट गांव के बीहड़ में मिला। परिजनों ने कपड़ों से बच्ची की शिनाख्त की है। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और इसके साथ बाकी सदस्यों की तलाश भी जारी है। आपको बता दें, बच्ची बीते 13 नवम्बर से लापता थी। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में गांव है क्योटरा, बीहड़ का गांव है। वहां पर 13 तारीख को रात में 112 पे सूचना आई थी कि एक 7 साल की बच्ची अपने घर के पास से गायब है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी और उस एरिया का बड़ा रिग्रेस सर्च किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सफलता नहीं मिली। अगले 5 दिन तक वहां पर एक कॉन्टिन्यू सर्च ऑपरेशन चला है गांव वालों की मदद से और पुलिस प्रशासन की तरफ से। कई घरों को खाली करवाकर प्रॉपर चेक किया गया। बच्ची की फोटोज, पैम्फलेट्स वगैरह फोन, व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से शेयर कराए गए। अमरोहा में चल रहे अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। अवैध प्लॉटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शशांक चौधरी ने सख्त कार्रवाई करते हुए शहर में जगह जगह चल रही अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाई। 40 बीघा अवैध प्लॉटिंग के साथ पुष्कर नगर नई बस्ती में चल रही बिना लेआउट पास हुई प्लॉटिंग को जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया और जगह जगह अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर भी कड़ा शिकंजा कसा है। बिना परमिशन के बिना लेआउट पास करवाए सरकार को राजस्व का चूना लगाने वाले भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी भी जारी की गई है। देखिए, मामला ऐसा है कि यहाँ पे ये शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि लोग अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए और प्लॉटिंग करके प्लॉट बेच देते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो लोग वहाँ प्लॉट खरीदते हैं तो ना तो उनको बिजली की व्यवस्था अच्छी मिलती है, ना ही नालियों की, ना पानी निकासी की। तो इस सबसे निपटने के लिए हमने ये अभियान चलाया हुआ है कि जो भी अवैध रूप से प्लॉटिंग करके लोगों को गुमराह करके घर बेच रहे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं, तो उनको हम रोकें और जो लोग नक्शा पास करा करके अच्छी व्यवस्था के तहत अपनी प्लॉटिंग कर रहे हैं और बेच रहे हैं, वहीं उन्हीं को अनुमति मिले और बाकी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इस सिग्नल की बत्ती गुल, हजरतगंज का मेफेयर चौराहा जिसकी हम कर रहे हैं बात, आईटी चौराहा, राम राम बैंक चौराहा, ये है कैप्टन मनोज पांडे चौराहा, हनीमैन चौराहा, उन जगहों के नाम बता रहे हैं जहां पर रेड लाइट काम ही नहीं कर रही। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा, सिकंदर बाग चौराहा, एलडीए मोड़ चौराहा, नीलम फार्मेसी चौराहा, बस लिस्ट गिनते जाइए, बढ़ती जा रही है। लाल बत्ती, केकेसी, बंदरिया बाग, सीएमएस चौराहा, ग्वारी चौराहा, कठौता झील चौराहा, अब्दुल हमीद चौराहा, इन जगहों पर आप देखिए रेड लाइट काम ही नहीं कर रही और ट्रैफिक बेलगाम है। जिसका जिधर मन कर रहा है वो उधर से जा रहा है, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी है कई जगह, तो लोग उनके भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी नहीं समझते। पर एक आम आदमी की सुविधा के लिए जो लाल बत्ती लगाई जाती है, जिन जगहों के हमने आपको नाम बताए हैं, कुल मिलाकर 17 ऐसी जगह है जहां पर रेड लाइट बंद है, रेड सिग्नल काम नहीं कर रहे। लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया, लेकिन नतीजा बंद पड़े सिग्नल। ये बंद पड़े सिग्नल इसलिए क्योंकि अफसरों की लापरवाही और समय से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। राजधानी लखनऊ के
17 ऐसे चौराहे हैं जहां का ये ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं और बीते कई दिनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से यहां पर चौराहों पर जो कभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिखाई नहीं पड़ते थे, आज इन चौराहों पर ट्रैफिक वाले पुलिसकर्मी, चाहे वो कांस्टेबल्स हों या होमगार्ड हों, उनकी मदद से यहाँ का ट्रैफिक सुधारा जा रहा है, उनको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हजरतगंज के मेन चौराहे से लेकर गोमती नगर का मनोज पांडे चौराहा हो, चाहे कटौता झील चौराहा हो, हनीमैन चौराहा हो, आईटी चौराहा, राम राम बैंक चौराहा, ऐसे 17 चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक ऐसे ही मैन्युअली ऑपरेट किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि समय से जो स्मार्ट मीटर है उनका रिचार्ज नहीं हुआ, इसके चलते अपने आप ये सिग्नल्स बंद हो गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर समय रहते जब सरकार ने करोड़ों रुपया दे दिया था तो फिर बिजली का बिल का भुगतान क्यों नहीं हुआ। अफसरों की जो बाबूगिरी की जो पद्धति है उसी का नतीजा के आज राजधानी लखनऊ के 17 चौराहों पर जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो सिर्फ डमी बने हुए हैं, बंद पड़े हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। अधिकारी कह रहे हैं कि 102 दिन का वक्त जरूर लग सकता है, संभवतः 102 दिन बाद ये बिजली का बिल जमा होने के बाद ये ट्रैफिक सिग्नल चालू भी हो जाए, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद अगर ये तस्वीरें आती हैं तो शर्मसार करने वाली हैं नौकरशाही के लिए, लखनऊ कमिश्नरेट के उन ट्रैफिक के जिम्मेदार अफसरों के लिए जिनके दम पर सरकार दावा करती है कि लखनऊ को स्मार्ट बना दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। उधर हापुड़ पुलिस लाइन से डासना जेल बंदियों को लेने के लिए आ रही पुलिस की गाड़ी गाजियाबाद के मसूरी थाने के सामने फ्लाईओवर के ऊपर डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि पुलिस की गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे नहीं गिरी, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि रोडवेज की बस ने पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी फ्लाईओवर के साइड डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि पुलिस की बड़ी गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी है जो फ्लाईओवर के साइड से जाकर टकराई और इसका अगला हिस्सा, कितनी चोट इसको पहुंची है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गनीमत रही हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक रोडवेज की बस ने बताया जा रहा है कि पीछे से इसको टक्कर मारी, जिसके कारण इसका बैलेंस बिगड़ा और फ्लाईओवर के साइड ये जो वहां पर दीवार बनी हुई थी, डिवाइडर बना हुआ था, उससे टकरा गई। 5 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन यदि ये गाड़ी नीचे गिर जाती फ्लाईओवर से तो यह हादसा और बड़ा भी हो सकता था। कैदियों को लेकर ये गाड़ी वहां से जा रही थी और पीछे से रोडवेज की बस ने इसको टक्कर मारी, इसका बैलेंस बिगड़ा और ये फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गया। 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, हालांकि कोई गंभीर बात नहीं है, मामूली चोटें हैं, लेकिन यदि ये गाड़ी जो कैदियों को लेकर जा रही थी, आप अंदाजा लगाइए, फ्लाईओवर से नीचे गिर गई होती तो किसी की जान भी जा सकती थी। 5 पुलिसकर्मी इसमें मामूली रूप से घायल हुए हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ लखनऊ से आ रही है। प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, बस में बुलेरो दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई है, एक की मौत हो गई है और 6 लोगों की हालत गंभीर है, सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। तो 6 लोगों की हालत गंभीर है, सभी को अस्पताल भेजा गया है। सड़क हादसे की खबर है, प्रतापगढ़ लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बस पलट गई, 6 लोगों को चोटें आई जिनमें हालत गंभीर उनकी बताई जा रही है। कुंडा कोतवाली के गयासपुर की यह घटना है, बस और बुलेरो में जबरदस्त टक्कर हुई है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोगों की हालत गंभीर है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो किस तरह हादसा हुआ है प्रतापगढ़ लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर वो हम आपको बता रहे हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर है और एक शख्स की एट द स्पॉट डेथ भी हो गई है। तो बस और बुलेरो में जबरदस्त टक्कर हुई है, एक शख्स की जान चली गई जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर है। प्रतापगढ़ लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है।
प्रतापगढ़ लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हादसा हुआ है, 6 लोगों की हालत गंभीर है और एक शख्स की हुई है इसमें मौत। और अब अगली खबर का रुख करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है वो राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस उनका साथ देती है जिन्होंने अलगाव को बढ़ावा दिया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यह चेहरा सामने आया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 छल से लागू करके कांग्रेस में ना सिर्फ अलगाववाद को बल मिला बल्कि आतंक को भी बढ़ावा दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 से हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत को का नारा दिया है। धारा 370 को हटाने के बाद वहां की कोई पार्टियों ने मिलकर गुपकार समझौता किया है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद इसका सपोर्ट करते हैं, ये बातें सीएम योगी ने कही हैं। वो बड़ी बातें क्या है ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया, एक भारत श्रेष्ठ भारत को कामयाब नहीं होने दिया गया, लगातार कांग्रेस की तरफ से अलगाववाद को बढ़ावा मिला। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के आभारी हैं और क्या बड़ी बातें सीएम ने कही वो आपको सुनवा देते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह का आज से रंगारंग आगाज हो गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने कोविड काल में चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया है। साथ ही सीएम ने यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने पर बधाई भी दी। आपको बता दें आने वाले 25 नवंबर को विश्वविद्यालय के समापन समारोह में वर्चुअली पीएम मोदी भी जुड़ेंगे जिसमें हो सकता है कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा भी कर सकते हैं। समापन कार्यक्रम में राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी पहुंचेंगे। कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम शैक्षणिक जगत की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शैक्षणिक क्षेत्र के शोध की उत्कृष्टता को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जो एक मूल मंत्र लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का ध्येय था उस ध्येय वाक्य को बनाए रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोविड 19 की इन चुनौतियों में न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की, अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयास इन 100 वर्षों की उपलब्धियों के साथ एक सोने में सुहागे का काम करता है। कोरोना से निपटने के लिए राहत भरी खबर आई है। रूस के स्पुतनिक 5 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कुछ ही दिन बाद कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगा जहां वैक्सीन के सेकेंड और थर्ड फेज का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल होना है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को कराने के लिए निजी फार्मा कंपनी ने आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले लिया है। 200 लोगों के ऊपर इसका ट्रायल किया जाएगा और उसके लिए 180 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। सभी लोगों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है। दरअसल रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का ट्रायल जो है वो कानपुर मेडिकल कॉलेज में जल्दी शुरू हो जाएगा जिसको लेकर यहां पर 6 सदस्यीय टीम बनी है और इस वैक्सीन का ट्रायल 200 लोगों के ऊपर किया जाएगा जिसमें अब तक 180 लोगों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। हालांकि
जो 180 लोग हैं उनकी जो पहचान है पूरी तरह से गोपनीय रखी जा रही है और किसी के बारे में इसकी डिटेलिंग नहीं की गई है। तो वहीं अगर स्पुतनिक वी की बात करें तो जिस तरह से रूसी सैटेलाइट जो पहली सैटेलाइट थी वो स्पुतनिक वी थी, जिसके चलते पहला ये जो वैक्सीन है वो है जिसका नाम स्पुतनिक वी रखा गया है। लिहाजा यहाँ पर ट्रायल जल्द ही शुरू होगा और जो टीम है, जो कमेटी है वो गठित कर ली गई है। 200 लोगों के ऊपर इसका ट्रायल करना है और उसके बाद जब ट्रायल के बाद रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही इस वैक्सीन का पब्लिक में सामने आएगा कि क्या रिजल्ट रहा है। तो साफ है कि कानपुर मेडिकल कॉलेज में भी इसकी तैयारियां जो हैं जोरों पर हैं और जल्द से जल्द यहां पर वैक्सीन का ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। वीडियो अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, ये भी पिगंगा कानपुर। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन में। मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी प्रीति। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा कि मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तानी थे जो जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया जिस ट्रक में आतंकियों को मार गिराया गया उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव थे जो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल होने थे। आगे बढ़ते हैं। आज से यूपी में कोरोना सैंपलिंग के अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है। आज से शुरू होकर यह 30 नवम्बर तक चलेगा। आज 20 और 21 तारीख को शहर में मलिन बस्तियों में और 22 तारीख को अस्थाई या स्थाई जेल में सैंपलिंग की जाएगी। 23 तारीख को बाल सुधार गृह, बालिका सुधार गृह में सैंपलिंग का काम होगा। उधर आगरा में नगर निगम प्रशासन ही वायु प्रदूषण बढ़ाने में लगा है। निगम कर्मी कूड़े के निस्तारण के बजाय उसमें आग लगाकर उसको खत्म करना चाह रहे हैं। एबीपी गंगा के कैमरे में कैद तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि विश्व स्मारक आगरा किला के सामने ही नाले में कूड़ा साफ करने के नाम पर कूड़े में ही आग लगा दी गई, जिससे धुएं के बड़े बड़े गुबार आसमान में उठने लगे। आने वाले 30 नवंबर को काशी में देव दीपावली मनाई जाने वाली है। काशी में इसे लेकर खास तैयारी है। काशी की देव दीपावली इस बार अयोध्या की तर्ज पर मनाई जाने वाली है। गाजियाबाद में छठ महापर्व मनाने वाले पूर्वांचल के लाखों लोग रहते हैं जिनके लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की जाती है। गाजियाबाद में हिंडन नदी और हिंडन नहर के आसपास सैकड़ों घाट बनाए जाते हैं। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। नमस्कार।